व्हाट्स अप एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल हियर इट शो दीप। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस बेसिकली आज मैं रॉयल एनफील्ड का शोरूम पे हूँ, जो ईस्ट इंडिया रॉयल एनफील्ड है कोलकाता में, शेक्सपियर शोरूम पे ऑपोजिट साइड कोला मंदिर पे, वहाँ पे हूँ। तो आज मतलब आज नहीं कल एक रॉयल एनफील्ड का नया गाड़ी लॉन्च हुआ है, उसका नाम है रॉयल एनफील्ड बुलेट ट्रायल्स 350। मेरे पास अभी 350 मेरे सामने में, तो उसी गाड़ी का टोटल आप लोगों को वॉक अराउंड स्पेसिफिकेशन, गाड़ी में क्या क्या नया आया है उसके बारे में आप लोगों के साथ बात करूँगा। तो गाइस वीडियो को देखते रहिए। अभी आप लोगों को एक प्रॉपर वॉक अराउंड देता हूँ गाड़ी का, जितना हो सके उतना कोशिश करूँगा। तो गाइस आप वॉक अराउंड को देखिए। आप लोगों ने गाड़ी का वॉक अराउंड देखा, होप आप लोगों को गाड़ी का वॉक अराउंड पसंद आया है। और गाइस बेसिकली इस गाड़ी का इंजन स्पेसिफिकेशन वाइज इस गाड़ी में कोई चेंजेस नहीं है। इस गाड़ी में इंजन, इसका जो व्हील बेस है, ग्राउंड क्लियरेंस, एवरीथिंग इट सेम, जस्ट गाड़ी में कॉस्मेटिक चेंज बहुत सारे हुआ है, वो सब आप लोगों को मैं अभी इस वीडियो में ही दिखाऊंगा, आप देखते रहिए। इस गाड़ी में तो नॉर्मल जो क्लासिक और बुलेट और जो गाड़ी है इसमें, इस गाड़ी में इसका जो चेंजेस तो कुछ नहीं है। तो इस गाड़ी में टायर में बहुत सारे चेंजेस है। इस गाड़ी में हम लोग को ऑफ रोडिंग टायर मिल रहा है, जिससे आप मतलब क्या कर सकते, ऑफ रोड अच्छी तरह से कर सकते, तो तब उसके बाद हिल्स पर अच्छी तरह से राइड कर पाओगे। सेकेंड थिंग, इस गाड़ी में हम लोग को सबसे एक चेंज तो नहीं कह सकते, इसका जो मडगार्ड है, ये जो मडगार्ड है इसमें हम लोग को एक कह सकते एक सपोर्ट दे रहा है। मतलब सपोज हम लोग क्या होता है ऑफ रोड को टाइम में कुछ पत्थर वगैरह लग गए ना, ये घूम जाता है, तो वो सब कुछ नहीं होगा इस गार्ड के लिए। ये गार्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग है गाइस, इसके लिए ये बहुत ही स्टेबल रहेगा ये माउंट गार्ड। और इसके बाद यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो क्लैंप टाइप का कुछ लगा हुआ है, इसको सपोर्ट देना रहे। और यहाँ पे एक रबर का जो सस्पेंशन है उसको कवर करने के लिए दिया हुआ है। और हम लोग को यहाँ पे हेडलाइट पे ग्रिल बहुत अच्छा मिल रहा है, जो हेडलाइट का जो लाइट का जो बल्ब का जो शीशा है वो तोड़ेगा नहीं कोई पत्थर वत्थर लग के, इसके लिए ये दिया हुआ है। बहुत ये सेव है, मतलब हेडलाइट सेव रहेगा अभी। और हैंडल बार पे हम लोग को एक बकबस्टर मिल रहा है, जिससे हम लोग को जो नकल गार्ड आप कह सकते हैं, इससे हम लोग आर्म मुट्ठी ये सेफ रहेगा एक तरफ से, ये भी कैसे इस तरफ भी दिया हुआ है। नॉर्मल क्लासिक और बुलेट से ये जो लुकिंग ग्लास है ये डिफरेंट है, और इसका क्वालिटी आई थिंक मेरे हिसाब से और भी बेहतर है और प्रीमियम है। और हैंडल बार पे हम लोगों को एक क्या कैसा RD 350 जो रॉड होता है ना, ये वाइब्रेशन कम करने के लिए दिया हुआ है। आई थिंक ये सच में क्लासिक में ज़रूरत है, और ये अभी कंपनी स्टॉक दे रहा है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और यहाँ पे एक सॉफ्ट चीज़ दिया हुआ है, जिससे एक्सीडेंट वगैरह होने से मुँह पर कुछ नहीं लगेगा। सेकेंड चीज़ है, सेकेंड तो नहीं बहुत सारी चीज़ है, और इसके बाद है इसका जो फ्रेम है, इसका फ्रेम में तो कोई चेंजेस नहीं है। इसका फ्रेम बेसिकली हम लोग को अभी ऑरेंज कलर का मिल रहा है, तो ये थोड़ा यूनिक है और लोगों को आँखों में लगेगा, इसलिए ये गाड़ी अट्रैक्ट भी करेगा लोगों के आँखों में, मतलब रिएक्शन मिल सकता है, आई एम नॉट श्योर अबाउट। अभी हम लोग इस गाड़ी में सबसे डिफरेंट दो चीज़ जो इस गाड़ी को यूनिक बनाता है, तो बेसिकली इसका जो कैरियर और सेकेंड इसका साइलेंसर, वो आप लोगों को दिखाता हूँ। ये कैरियर, ये बेसिकली सिंगल सीटर गाड़ी है, इसमें आप डबल कैरी नहीं कर सकोगे, तो बेसिकली आप सोचो भी मत इसको डबल कैरी करने के लिए खरीदो। ये आप लोगों के लिए जो लोग ऑफ रोड मतलब क्या कह सकते हो हिल्स पर राइड करेगा, उन लोगों के लिए ये गाड़ी एकदम सही है। फर्स्ट यहाँ पे हम लोग को कैरियर मिलता है,
सेकेंड थिंग, हम लोग के यहाँ पे साइलेंसर अपसाइड मिलता है, जो जिससे क्या हुआ, वाटर क्रॉसिंग के टाइम पे हम लोग का गाड़ी बहुत टाइम ऑफ हो जाता है, उस टाइम हम लोग को ये साइलेंसर ऊपर रहने के लिए रीज़न पे, जो मुंह है, जो टॉर्क हवा निकलता है उससे हम लोग को बहुत हेल्प होगा, मतलब गाड़ी का स्टार्ट बंद नहीं होगा। और यहाँ पे हम लोग गाड़ी का टेल लाइट पे GD535 का टेल लाइट मिल रहा है, और इंडिकेटर तो इंटरसेप्टर का है, वो देख के ही मैं समझ चुका था। स्पीडोमीटर के यहाँ पे हम लोग को ABS लाइट मिलता है, और फ्यूल गेज इंडिकेटर, नॉट क्या कहते मीटर नहीं, इंडिकेटर हम लोग को यहाँ पे मिलता है। वो सबको पता है 150 cc के ऊपर में जितने भी गाड़ियाँ हैं हम लोग को ABS मिलता है, वैसे ही इस गाड़ी में भी हम लोग को ABS मिल रहा है। तो ब्रेकिंग यूनिट के बारे में गाड़ी तो सही हो ही गया है, और क्या बताऊँ, तो एक बार चेक भी कर देते इसमें ABS है क्या नहीं है। देखिए यहाँ पे ABS का स्टिकर हम लोग को मिल जा रहा है, और सेकेंड थिंग ABS, दैट्स इट, ये सेंसर के लिए काम करता है। रेड पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे ABS, दैट्स इट गाइस। गाइज तो एग्जॉस्ट में मैं सुना, बट कोई डिफरेंस नहीं है, टोटली सेम। उन्होंने देखा इस गाड़ी में चेंजेस बेसिकली क्या है नॉर्मल क्लासिक बुलेट से, तो अब बात करता हूँ ये गाड़ी किस टाइप का लोगों के लिए परफेक्ट होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये गाड़ी डेली पर्पस के लिए मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, कभी भी नहीं। ये गाड़ी उन लोगों के लिए है जो लोग लॉन्ग राइड्स, जो लोग हिल्स पे राइड करते हैं। सेकेंड थिंग, जो लोग ऑफ रोड, मतलब रोड के ऊपर, मतलब ऑफ रोडिंग में बहुत इंटरेस्टिंग है, उन लोगों के लिए ये गाड़ी एकदम परफेक्ट होगा। रीज़न आप लोगों को मैं बताता हूँ, बिकॉज इसका ग्राउंड क्लियरेंस बहुत बेटर है, उसके बाद इसका में जो कॉस्मेटिक्स है वो भी बहुत अच्छा है, मतलब कंपेयर टू क्लासिक से, तो उन लोगों के लिए ये गाड़ी एकदम गाइस परफेक्ट होगा। नॉट फॉर दिस गाड़ी, डेली राइड के लिए ठीक नहीं है, ये ऑफ रोड और हिल्स राइड के लिए और सोलो राइडिंग के लिए बेस्ट होगा। तो दैट्स इट गाइस, जितना हो सके उतना आप लोगों को सब दिखा दिया, और भी कुछ जो वैसे दिखाने पे नहीं है। और इसका और एक मॉडल है, वो है ट्रायल्स 500, उसमें बेसिकली सेम है सब कुछ, सिर्फ डबल टोन कलर मिलता है और एक्सेसरीज भी सेम होता है, और इंजन में थोड़ा डिफरेंस होता है बिकॉज ऑफ 500 cc। तो दैट्स इट गाइस, होप यू एंजॉय दिस वीडियो, एंजॉय किया तो डेफिनेट तो लाइक तो बनता ही है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और क्या, और डिस्क्रिप्शन में शोरूम का एड्रेस सब कुछ दिया हुआ है, आप लोग कोई भी रॉयल एनफील्ड का गाड़ी खरीदना चाहते हो तो आ जाओ इस इंडिया रॉयल एनफील्ड में खरीद लो, और क्या।